मामू की फैमिली आ गई लेकिन मामू खुद नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गए यार, क्या सीन है, कहाँ पे है, where's dad? वो कह रहे थे कि कोई ईद की रस्म होती है कि लाइक वो पहली दफा आते हैं बेटी, ओए आ गए रस्म लेके ओए मुझे ब्लॉग में नहीं लेकर आता, मूसा को मक्खन लगाने आया। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या चाल है, दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर ब्लॉग। बॉयज एंड गर्ल्स, बड़े अरसे से आप लोग मामू को मिस कर रहे थे, तो आज का प्लान ये है कि मामू को हमने इफ्तारी पे बुलाया। आप कहते इफ्तारी पे तो बुला लें उन्हें, उन्होंने बुलाया था भाई, बुलाना था, बस बिजी होते हैं वो भी, बिजी हम भी बिजी, यू नो, तो फिर नहीं बन रहा था प्लान। तो आज का प्लान ये है बॉयज एंड गर्ल्स के वो भी वो आएंगे इफ्तारी पे, लेकिन उससे पहले हमने कुछ सामान पकड़ने जाना है खाने का। शीश कैफे नहीं जहाँ पे मैं गया था, जो कि हुक्का बार था और उनका बहुत अच्छा इफ्तार बफे था, उनके ना पैकेजेस मिलते हैं इफ्तार के ना बॉक्सेस में ना बड़े बड़े, तो हमने सोचा वहां से करा लें, उनका खाना तो फिट था तो वही कर लेंगे आराम से। बाकी फिजा ने कुछ साइड पर प्रिपेयर किया हुआ घर में, और ऑल्सो मिशन ये है कि ये घड़ी जो मैंने कहा था मैंने फिक्स करानी है, वो लटक रही है, तो ये घड़ी जो है इसकी मैंने ये चेने कुछ कम करवानी है ताकि हाथ पे तो फिट आए ना, वहीं से कहीं से करवाएंगे। बट बिफोर वी गो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खान एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन टिकटॉक। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, आई विल सी यू एट द कैफे, शीश कैफे। हम आ गए शीश पे, तो जाके अपना डब्बा पकड़ते हैं, डब्बा। Few moments later. गर्ल्स तो बड़ा भारी है, तो पूरा बम डाला हुआ इसके अंदर। शुक्र है मिल गए हमें। पिज़्ज़ा साहब ने कल के लिए कराई हुई थी, मतलब यस्टरडे के लिए ना। वो गए थे, हमने वो वाले फेंक दिए कल वाले। पिज़्ज़ा को अकेले भेजने वाला था। चलो ज्वेलरी रिपेयर शॉप पे आए हैं हम, अपनी घड़ी लेके तो चेक करते हैं क्या ढूंढते हैं। आई गॉट दिस न्यू वॉच, इट्स अ टिसो PRX एंड आई वांटेड टू गेट इट लाइक टाइटन ऑन माय रिस्ट। बॉयज एंड गर्ल्स, ये मैंने घड़ी जुड़वा ली है, जैसे आप देख सकते हो, अच्छी लग रही कि नहीं लग रही, तो चेक करो जरा। हाय हाय हाय। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, अब हमें घर चलना है जल्दी से पहले मामू की फैमिली आ जाए, तैयारियां करनी है, ठीक है, फिर घर पे जाके इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं। लेटर। हम घर वापस आ गए और ये अच्छा खासा खाना दिया हुआ डब्बे में, समोसे, पकौड़े हैं, समोसे हैं, काफी ज्यादा समोसे हैं जैसे आप देख सकते हैं, नान भी है, वाइट चावल गर्मा गर्म है अभी भी, ये कुछ टिक्कियां लग रही है मुझे, पता नहीं क्या है ये, कोरमा है, कोरमा है, रोजा दिया हुआ एक बॉटल, खीर तो अच्छी खासी दी है, और क्या है, दही बल्ले और फ्रूट चाट, ठीक है, नॉट बैड। और इनका खाना जेन्युइन टेस्टी भी होता है, ऐसे नहीं फजूल का। और ये तुमने वो बनाई है बनाना ब्रेड बनाई है फिजा ने, अच्छी लग रही है, लो कैलोरी बनाई है, नहीं चावल ही है, बिरयानी है, नहीं बिरयानी है, बोटी है, चले दो बोटियां और डाल देते, क्या हुआ है तुम उनकी साइड पे हो, शीश वालों की, तो भाई कह रहा चाहिए, हाँ हाँ तीन और डालनी चाहिए थी, दो नहीं, फिर ओ देखो जरा से, मारूंगा कंट्रोल, तफा हो जाए यहाँ से, कभी वापस नहीं। मामू की फैमिली आ गई लेकिन मामू खुद नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गए यार, क्या सीन है, कहाँ पे है, where's dad? वो कह रहे थे कि कोई ईद की रस्म होती है कि लाइक वो पहली दफा आते हैं बेटी, ओए आ गए रस्म लेके ओए क्या हाल है भाई, कौन हो आप? ये आप लोग कह रहे थे ना कि व्लॉग में नहीं आ रहे ये वो फलाना, तो उसकी सलाह में व्लॉग में नहीं लेकर आता, मूसा को मक्खन लगाने आया। शादी के बाद की पहली ईद जोनसी है ना, वो मुबारक। ओह थैंक यू सो मच, वैसे यार ये तुम्हारा है। ओह अच्छा 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 अच्छा, कैश भी इन्वॉल्व होता है। ओए होए होए भाई, इतने 100-100 के नोट, एक मिनट रुको रुको रुको, देखो मेरी जेब वहां तक खींचती है कि नहीं। ओए तुमने का गिफ्ट तो पता नहीं। ओहो माशाल्लाह, थैंक यू नहीं यार मैं मजाक, नहीं मिलेगी ये चुके शादी के बाद, तो वो एक रसम होती है, तो उसके इतनी ज्यादा ईदी, अमीर हो गया मैं, बॉयज एंड गर्ल्स ये लो। ऐसे मुझे कहा था, मुझे देगा कौन ही, हाँ दे दी मैं ले गई, ये देखो बॉयज एंड गर्ल्स, आपको लगता है मैं लाइफ बहुत एंजॉय करता हूँ क्या, लोग समझते हैं फिजा पे जुल्म बहुत कर रहा हूँ आजकल, ये देखो जरा, मुझे भी बड़े लोगों ने मैसेज किए, ये देखो, यू नीड टू टेक स्टैंड ऑन, मैंने फिजा को बता दिया, ये देखो आज लाइव दिखा दी, मूसा ऐसा नहीं है, मूसा बहुत अच्छा बच्चा, मैंने कई लोगों को उसको पर्सनली भी बताया, अभी मुझे बहुत सख्त भूख लग रही है अभी, बस ओए ओए ऊपर से हमने खाना सारा सामने रख दिया, दिल धक धक कर रहा, पैसे गए हैं भाई यार, वो इतने बच्चे ने मुझे मैसेज किए, वो कब कौन सा गिव अवे करना है, वो बेचारे, ओ कल करता हूं ना मैं स्टोरी लगाने, कल मैं एक दो नाम बता दूं, उनको चितवा देना यार।
मेरे पे इतने इतने कमेंट इतने मैसेज आएगा, हमें यार दे दो, हमें जितवा दो, अपने स्टोरी शेयर के मैंने ऐसा थोड़ी होता है, कहा है कि जी फेयर गेम होती है। एक बार मुझे कहा कि आप ना मुसा के पांव पड़ जाना। नहीं भाई फेयर गेम होती है, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो अब उस पे तो नहीं हो सकता। अब अब्दुल वदूद हो या अब्दुल शकूर हो या सलीना हो या टीना हो या मीना या मीना, हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। ऐसा नहीं हो सकता यार, मतलब उसमें कोई दो नंबरी नहीं होनी चाहिए, चाहे जो हमारा हेटर भी हो, जिसने कॉमेंट भी किया, जो मामू को मैसेज भी करके कह रहा हो ना कि मूसा से बचा लो फिजा को, वो भी जीतेगा तो उसको हमें देने पड़ेंगे पैसे, सैडली उसको भी हमें ये देना पड़ेगा। वो दही बल्ले हैं यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स हमारे पास, ये बनाना ब्रेड, ये स्ट्रॉबेरी वगैरह सारी रख दिया। ओए होए होए पकोड़े, ये हमारे पास आ गए मिंट मार्गरिटा, ठीक है, ये हमारे पास मामू आ गए, वन मोर स्नैक। बनाना ब्रेड देना, फिजा की बनाना ब्रेड जो उसने खुद बनाई है। ये तुमने कैसे बना लिया इतना मजे का? वाह जी वाह बॉयज एंड गर्ल्स, नहीं नहीं भाई मैं तो ये गन पॉइंट पे रखता हूँ फिजा को, आपको पता ही है। बेटा कह दो, हाँ हाँ बस हमने दिखा दी, इसने बनाई थी बड़ी अच्छी बनाई थी, थोड़े बस चावल भूसे हुए थे। हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी बिरयानी थी। लो जी बॉयज एंड गर्ल्स, शीश का चिकन कबाब पहले ट्राई करना है मैंने। लो जी बिरयानी टेस्ट टेस्ट करना है अभी, थोड़ा सा कोरमा डाल दो ऊपर, कोरमा का विद द बिरयानी, ठीक है तो चेक करो। ओए होए 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 होए, कोरमा तो प्रॉपर देख वाला। तो बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये कि मामू चले गए थे, ठीक है, मामू को थोड़ा जल्दी जाना था, यू नो बच्चे बच्चे होते हैं ना साथ, तो बंदे ने सोना होता है जल्दी, लेकिन कोई मसला नहीं। मैंने कहा ब्लॉग सेंस छोटा बहुत बन गया था, तो हम एक सवाल को कवर कर लेते हैं जो किसी लड़की ने फिजा से पूछा था, फिजा ने मुझे सेंड किया था। वेल वन काइंड ऑफ स्ट्राइक्ड मी, यू नो, कि मैंने कहा यार इसको जरूर आंसर करना है, महिला की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ब्ला 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 मूसा भाई सब्सक्राइबर, होप यू आर डूइंग वेल, आई little request to make on a video on females, like what's missing, what's wrong in them in today's females and what should be fixed for future, etc. I am 21 and have watched all vlogs of Musa Bhai's, learned a lot from him about the life, he is very inspiring, instead you both are, I wish and pray to get a human like him in my life. Well, मेरे जैसा तो तुम्हें नहीं मिल सकता, लेकिन खैर अगर तुमने पूछ ही लिया तो बता ही देता हूँ। पहले तुमने अपना इनपुट देना, मैं तो पहले ही बोलूं मैं फिर इनके। अच्छा देखो, आजकल के ज़माने में ना किसी की गलती नहीं है, बहुत से लड़के ना, मैंने एक पोस्ट लगाई भी रिसेंटली जहाँ पे मैंने कहा कि लड़कियों को सेलिब्रिटी क्रश होता है, अगर लड़कियों को सेलिब्रिटी क्रश तुम्हारे मुंह पे बता रही होती ना, मर्दों को कहता हूँ, तो यार भागो उन लड़कियों से। तो एक दो लड़कों ने कॉमेंट भी किया सही है, लड़कियाँ होती ऐसी है, नहीं होती लड़कियाँ ऐसी यार, आजकल का ज़माना ना इट्स वेरी वेरी हर चीज़ डोपामाइन न्यू फास्ट मिलता तुम्हें। लड़की है ठीक है, जिसको मोहल्ले में शायद दो तीन घर टेंशन देते थे, अब उसको पूरी दुनिया टेंशन दे रही है, उसने एक अपनी खूबसूरत लड़की है, उसने अपनी एक पिक्चर लगाई है सोशल मीडिया पे, कितनी आज आपका लड़कियां देख रहे हो पाकिस्तान में वायरल पे वायरल हो रही हैं, उन्होंने पिक्चरें अपनी लगाई हैं, लोग फॉलो मार रहे हैं उनकी पोस्ट पे, कमेंट करें लाइक करें, तो जब उसको हर जगह से दुनिया में वैलिडेशन आ रही है ना, तो होता क्या उनकी ईगो थोड़ी इन्फ्लेट हो जाती है, और जब उनकी ईगो इन्फ्लेट होती है तो उससे मसला ये होता है कि जो लड़का एक्चुअली लाइफ में उनके लिए अच्छा होता है ना, वो उसको इग्नोर करके उन लड़कों के पीछे जा रही होती है जो कि यू नो टेम्पररी उनको एक खुशी दिखा रहा होता है, चीजें दिखा रहा होता है दुनियावी, या तो ये होता है या तो फिर वो इधर उधर लड़कों में हैंग आउट, एक लड़का उनको अच्छी लाइफ दिखाता है उसके हैंग आउट करती हैं, वो छोड़ के चला जाता है, कुछ हो जाता है, इट्स जस्ट अ होल रैबिट होल, और फिर वो लड़कियां ना डिफरेंट डिफरेंट लड़कों में घूम के ना अपनी वैल्यू गिरा लेती है। एंड होता क्या है कि जब शादी की उम्र आती है वगैरह, तो जो अच्छे वाले लड़के होते हैं वो सारे पीछे हट जाते हैं, और जो मतलब के लड़के आपको नहीं चाहिए होते लाइफ में वो आपको अप्रोच कर रहे होते हैं, यू डोंट वांट टू यू नो परस्यू देम। आई वाज जस्ट गोना ऐड समथिंग, आजकल मसला ये है, पीपल स्टिल थिंक कि लड़का लड़की कैन बी फ्रेंड्स, बट दैट्स द मोस्ट रॉन्ग थिंग, लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। आज कल लड़कियों की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो अपने इतने ज्यादा लड़के दोस्त बना देती है। जब आप ऐसे दोस्त बना लेते हो, आपको हर तरफ से एक जो लड़का अप्रोच कर रहा है वो भी समझ रहा है कि अच्छा ये मुझे लाइक करती है। लड़के लड़कों का यही होता है, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट आप उससे बात भी करोगे ना, वो समझेगा वो लड़की सेट हो गई है। इस तरह एक लड़की की इज्जत खराब हो रही है सबसे पहली बात, वो लड़का सबको जाके बताएगा ये तो तेरे भाई के साथ सेट है, वो अपनी जो भी कह रही है, आप जितना अपने आपको फ्रेंडली दिखाओगे लोगों को आपकी उतनी वैल्यू
कम होती जाएगी. एग्जैक्टली दैट्स द थिंग. और ये लोग रियलाइज नहीं करते, वो लोग कहते हैं नहीं ये तो हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त है, हम इसके साथ सारा कुछ शेयर कर रहे हैं. भाई वही लड़का आपको क्या बता अपने बाकी लड़कों के साथ जाके क्या बातें क्या बातें कर रहा है. रेपुटेशन डिस्ट्रक्शन होती है. अब लड़कियां समझती नहीं है इस बात को कि लड़कियों की वैल्यू इनेटली कितनी होती है. एक लड़की की वैल्यू ना, अब ये फिर बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बात लोग समझते हैं लेकिन है नहीं, और लड़कियों को पता होता है. देखो लड़कियों की वैल्यू होती है एक्सक्लूसिविटी से. व्हेन दे डिवोट देमसेल्फ टू वन मैन एंड वन मैन ओनली, उनकी वैल्यू हाई होती है कंपेयर टू व्हेन दे टॉकिंग टू मल्टीपल ड्यूड्स. बिकॉज अगेन यही बात आ जाती फिजा वाली कि हर लड़का जाके बात कर रहा होता उसके बारे में कि यार मैंने तो उसके साथ ये सीन किया था तूने भी किया था. वो लिटरली लड़के इस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं. अगेन लड़कों की भी गलती नहीं है, जिस तरह हमारा मुआशरा है वो भी उनकी नेचर है, उन्होंने ये बात करनी है. ठीक है, व्हेन एवरीबॉडी कुड हैव हर तो उसकी वैल्यू इनेटली कम हो जाती है. वो क्यों होती है मैं बताता हूँ. क्योंकि अप्रोच कौन करता है रिलेशनशिप में, एक लड़का एक लड़की है, दोनों में 95% ऑफ टाइम लड़का अप्रोच करता है. तो लड़की होती है जो चूज करती है अपना पार्टनर. उसके पास चूजिंग की एबिलिटी है दैट शी वांट्स द बेस्ट पार्टनर फॉर हरसेल्फ, ताकि आगे उसकी सर्वाइवेबिलिटी बच्चों की अच्छी हो उसकी अच्छी हो, क्योंकि आपने उसने प्रोवाइड करना और प्रोटेक्ट करना है. नाउ एक लड़की है जो सब मर्दों को चूज करी जा रही है, ठीक है, तो हर वैल्यू एज अ चूजर गोज डाउन. Because you are accepting to every opportunity that comes your way. That means you don't have value. Business deals में भी यही होता है, लाइफ भी कुछ इस तरह की है. बॉयज होते हैं जो डील लेके आते हैं, अगर आप हर किसी को डील दे दोगे आपकी इनेटली वैल्यू कम हो जाएगी. अगर आप लोग ये भी कहते हो नहीं हम लोगों को बात करनी पड़ती है, आप बिजनेस में औरतें जाती हैं या कहीं भी, नहीं आप लोग अपने एक लिमिट रखो, एक बाउंड्री रखो. कोई भी आपकी बाउंड्री को खराब नहीं करना चाहेगा. जब एक जब आप खुद नहीं है, जब एक लड़की हर लड़के के साथ जाके बात कर रही है और एक लड़की वो है जो सिर्फ काम की बात जाके एक लड़के के साथ कर रही है, अब आप खुद बताओ कौन सी लड़की ज्यादा बदनाम. बदनाम बदनाम भी क्या होगी, वो लड़की उस पर ज्यादा अप्रोच करेंगे. देखो लड़कों को भी ना एक चाबी चाहिए होती है. मुझे भी ऐसा हुआ है कि लड़की जो ज्यादा फ्री हुई मैं भी हो गया. जो लड़कियां नहीं होती बिजनेस प्रोफेशनल अपने आप को रखती हैं, काम से काम रखती हैं, वर्क हैबिट में, मैं उनके साथ भी काम से काम रखता हूँ. वैसे भी मैं किसी को इतनी लड़कियों लिफ्ट नहीं कराता फजूल की. अब वो केस से कहा था ना मौलाना, वो लड़की कह रही थी कि मेरा हस्बैंड अच्छा है सब कुछ प्रोवाइड करता है, जो आप लोग लड़कियां कहते हो, जो लड़के भी कह रहे हैं कि यार मर्द को अच्छा होना चाहिए होना चाहिए. क्या हो रहा है उसके साथ कि वो मर्द उसको सब प्रोवाइड कर रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, एवरीथिंग इज डूइंग परफेक्ट, लेकिन लड़की कह रही है 15 साल उनकी मैरिज को और कॉल पे कह रही है मौलाना साहब को कि मुझे कोई ऐसा इस्तखारा बताए कि मैं ना अपने इस हस्बैंड को छोड़ के ना जो वर्क हबी है ना जो काम पे है उसके साथ सीन सेट कर लूं. इमेजिन अगर वो उसका हस्बैंड वो कॉल सुन रहा हो, द हार्ट ब्रेक दैट ही हैज टू गो थ्रू. क्योंकि यू नो उसकी जो लड़की है उसकी जो औरत है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती. 2 दिन की इश्मशूकी के पीछे अपना घर बर्बाद करना है, रेडी है वो, रेडी है ना, फुली ग्रोन वुमन दिस इज, आई एम टॉकिंग 30+. औरतों को आजकल वैलिडेशन बहुत चाहिए होती है, और वैलिडेशन किससे चाहिए होती है, बाकी लड़कों से चाहिए. और वो कहाँ से स्टेम हो रही है, सोशल मीडिया से, वो चीज दूसरी चीजों से स्टेम हो रही है. लड़कियों का आपस में कॉम्पिटिशन लगा हुआ है कि किसको ज्यादा लाइक्स आते हैं, किसको ज्यादा फॉलो आते हैं, किसको मुंह लगाते हैं. यार लड़कियों के ना मैं खिलाफ बात नहीं करता, मैं लड़कियों के हक में बात कर रहा हूँ. तो मैं कहता हूँ अपनी वैल्यू को प्रिजर्व करो. लड़कियां कहती हैं ओ मर्द भी तो करते हैं, इधर उधर जाते हैं, भाई ये करते हैं वो करते हैं. भाई मर्द को इतना रेप्रोकेशन नहीं होता. अगर एक मर्द हर लड़की के साथ जाके घूम रहा है उसके बारे में ऐसी बात नहीं होगी बुरी तरीके से जितनी लड़की के बारे में होगी. अब आपको कि यार ये हमें सोसाइटी में चेंज करना चाहिए, करके दिखा दो, चेंज नहीं होता. और ये जो तुम्हें झूठे झूठे फॉल्स आइडियोलॉजीज बता रहे ना कि यार हम तो सोसाइटी को ह्यूमन नेचर को बदल देंगे, हम मर्दों की थिंकिंग बदल देंगे, औरतों की थिंकिंग बदल देंगे, जो कह भी रहे ना दे विल ऑलवेज फॉल बैक टू दैट थिंकिंग, राइट. यू नो व्हाई, बिकॉज अगर तुम्हारी कोई बहन है या तुम्हारी कोई बेटी है, तुम यू वुड नेवर बी फाइन ऑफ हर गोइंग आउट विद मल्टीपल ड्यूड्स, बट इफ इट्स योर ब्रदर एंड इफ इट्स योर सन यू वुड बी फाइन with him hanging out with ladies, because innately you know that son ki repercussion wo nahi jo ek aurat ki hai. Sadly this is the case. Relationship jab toota hai sabse zyada dukh kisko hota hai, aurat ko hota hai. Kyun, kya hota hai hamare muashre mein nahi, idhar US mein bhi hai, har ek mein. Ha ye log samajhte hain ki Pakistan mein ye zulm hota hai aurat ke sath. Bhai Islam mein to balki main kehta hu sabse zyada rights agar women ke na Islam ke andar hai. Sorry agar mujhe koi different कल्चर रिलीजन का देख रहा है, इट्स नॉट टू अटैक योर रिलीजन, आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट कि इस्लाम में जितने औरतों के राइट्स हैं ना वो किसी में नहीं है. वो कहते हैं 4 शादियां कराने को कहते हैं, रिलीजन कम है और शादियों में ज्यादा फोकस है. सिर्फ ये नहीं है कि 4 शादियां मर्द के मजे के लिए रखी हुई, उन्होंने 4 शादियां से रखी हुई थी. फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की की डिवोर्स हो जाती है, कोई लड़की अपाहिज है, कोई लड़की की जिसकी शादी हो ही नहीं रही, राइट, जिसको मौका मिल नहीं रहा, अगर उसकी दूसरी तीसरी वाली शादी भी हो जाती है, That means that लड़कियां मार्केट में कम हो गई. इस तरफ तारिक मसूद कहते हैं मार्केट लड़की, देखो लड़कियां मार्केट से कम हो गई,
ठीक है, क्योंकि शादियां ज्यादा हो रही हैं उनकी, जो लड़कियां रह गई मार्केट में वो कम रह गई हैं, सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ गई है लड़कियों की, ठीक है। तो फिर हर लड़की की अच्छे अच्छे घरों में जाके शादी होगी, बिकॉज जिन लड़कियों की शादी नहीं भी हो रही थी ना, उनकी भी दूसरी तीसरी जाके हो रही है। एवरी थिंग इन इस्लाम दैट हैज बीन सेट, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। हर एक को इतना फ्री ना करो, अपनी बाउंड्री सेट करो, अपनी बाउंड्री सेट करो, अपनी वैल्यू एक बनाओ, एक के साथ देखो लड़कों में ना फ्री हो, अपने आप को करो, अपनी एजुकेशन पे फोकस करो, मैं कहता हूँ करो, क्योंकि कोई पागल ही होगा लड़का जो कहेगा कि उसकी बंदी एजुकेटेड ना हो, नाउ गिवन कि वो एजुकेशन लेने जा रही है या कॉलेज में लॉन्डो के साथ हैंग आउट करने जा रही है, दिस टू डिफरेंट थिंग। Like, has she actually done something? कुछ किया है उसने जिंदगी में, कोई वो पढ़ाई में actually excel कर रही है, because क्या कि जब वो पढ़ाई में अपना time दे रही है, इसका मतलब उसने दूसरी फजूल activities में नहीं दी। लड़कियों की जो purity और वो जो एक मासूमियत होती है ना, देखो me as a मर्द मैं तुम्हें बताता हूँ, जो लड़कियां मुझे देख रही हैं, we really like your purity and we really like your innocence। जब लड़कियां होती है ना उनसे बात करो, सॉफ्ट मिजाज की होती है, हंस रही होती है बात पे, पर बड़ा क्यूट और बड़ा अच्छा लगता है। लड़कों में वो चीज नहीं अच्छी लगती है। मैन जर्नी इज हार्श, ठीक है, वी आर मैन टू गो टू वॉर। तो जब आप इस तरह के भोले और क्यूट होते ना, वो लड़कियों को नहीं पसंद आता, बिकॉज लड़कियां वो ऑलरेडी रोल फुलफिल कर रही हैं। तो लड़कियों को जो मैं कह रहा हूँ कि क्या मिसिंग है, यार बी फेमिनिन, दैट्स द शॉर्ट आंसर, बी फेमिनिन, डोंट कंपीट एंड द मोर देयर इज नो कंपटीशन, उसका अलग रोल है, तुम्हारा अलग रोल है। फेमिनिज्म आप लोगों ने बहुत गलत तरीकों से उसको कर लिया ना, कि कम्पीट नहीं करना, देखो नहीं करना, यू बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, इट्स लाइक देयर आर टू डिफरेंट पीपल हु आर गोना कम एज वन, और वो एक कम्प्लीट मिक्सचर बनता है, सेम चीजें हमेशा रिपेल करती हैं। And the thing is that the more feminine you are, the more masculine guy you would attract. I can 100% guarantee you. इसलिए जो ये जो masculine लड़कियाँ होती ना, जो अपने आप में बड़े boy बनी होती है, वो देखो वो किन लड़कों के साथ घूम रही होती है, सारे जो होते हैं उस तरह के, बिकॉज दे काइंड ऑफ अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ जेंटलमैन, राइट। देखो कितनी एक अजीब बात है, अब जो लड़कियां कहती है ओ हमें नहीं फेमिनिन होना, हम तो मैस्कुलिन होना, अगर मैं ऑन डिमांड फेमिनिन हो जाऊँ कितना रिपल्सिव लगे। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स की जगह मैं कहूँ हे ऑल बॉयज एंड गर्ल्स हाउ आर यू डूइंग, कितना बुरा लगेगा, राइट। भाई जो हूँ वही रहूंगा। हमें भी अच्छा लगता है मर्दों को कि लड़के जब फेमिनिन टच पे अपनी रहें, एंड डोंट गो ऑन द अदर साइड, बिकॉज द अदर साइड इज नॉट फॉर यू।